देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर थी कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र के जितने भी वोटर्स हैं, मतदाताओं ने बड़ी ही सत्यनिष्ठा के साथ जो है मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, परंतु दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का निर्वाचन आयोग अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है वो नहीं निभा पाया। इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ तथ्य है मैंने आपके समक्ष जो है रखे और रखूंगी और वास्तु स्थिति से आपको अवगत कराऊंगी। देखिए, भाजपा जिसे मैं भ्रष्ट जनता पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी कहती हूँ, उसके कुछ महान नेतागण श्री जुगल किशोर जी, डॉक्टर निर्मल सिंह, मिसेस ममता सिंह, श्री कविंदर गुप्ता जी, ये प्रमोटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शेयर होल्डर्स, गारंटर्स रहे हैं एक कंपनी के, और इस कंपनी का नाम है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है नरवाल जम्मू में, और इसका जो साइट ऑफिस है वो है विलेज भदरान सरोल चंबा में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 3 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था इनको अलॉट किया एट साहू चंबा। इस कंपनी ने क्या किया, अप्रोच किया जेके बैंक की ब्रांच जो लिंक रोड पे है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। जेके बैंक ने इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और उसी को मद्देनजर रखते हुए इनका लोन सैंक्शन किया गया। 3 टर्म लोन था जो 2012 में, 2015 में, 2016 में इनको डिसबर्स किया गया। कंपनी को जिस डेट के तहत, जिस समय सारणी के तहत जो था ये प्रोजेक्ट खत्म करना था, जो कमीशन करना था, वो उन्होंने नहीं किया। देखिए, डिस्पाइट ओ वन टाइम जिसे कहते हैं एमेंस्टी, रिलैक्सेशन मिली इस कंपनी को, हिमगिरी को, कि आप कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है 31 मई 2022 तक कंप्लीट करें, मगर ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को इस निर्धारित डेट पर कंप्लीट नहीं कर पाई। द कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज नॉट डन। बहुत सारी आरटीआईज जो है फाइल करी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक बड़े ही वरिष्ठ वकील श्री शेख शकील अहमद जी। श्री शेख शकील अहमद जी ने जो आरटीआई फाइल करी वो फाइल करी हिम ऊर्जा पे, हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पे। जो आरटीआई फाइल हुई वो फाइल हुई 9 जून 2022 को, 8 अगस्त 2022 को और 18 अक्टूबर 2022 को। 27 जून, 1 जुलाई और 21 नवम्बर 2022 को जो था इसकी इन आरटीआई का रिप्लाई मिला। इन आरटीआई में हिम ऊर्जा ने बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो कंपनी है इसने अपना प्रोजेक्ट ना सेटअप किया और ये जो अकाउंट है इस कंपनी का जेके बैंक ने एनपीए घोषित किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। करोड़ों रुपया जो था वो साइफन ऑफ किया गया, मैन्युपुलेट किया गया। जेके बैंक ने इस पर, ये जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, गारंटर्स थे, इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी। दे आर बेसिकली डिफॉल्टर्स, मगर कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं की गई। जेके बैंक ऑफिशियल्स ने अपनी जो सीट थी, अपनी जो गद्दी थी, उसका जो था मिसयूज किया और आज तक ये पता नहीं चला है कि जो 30 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ जो है जो इन्होंने दिया इस कंपनी को, ये पैसा आज कहाँ है। सुनने में आया है कि वन टाइम सेटलमेंट हो रही है, जिस सेटलमेंट के तहत जो है कुछ करोड़ों में ये मैटर रफा दफा किया जाएगा। अब ये पूरे डेटा के बेसिस पर सीबीआई को एक कंप्लेन सौंपी गई ऑन द 27th of September 2022। ये कंप्लेन सौंपी गई और इसी कंप्लेन के नाते आगे कार्रवाई हो रही है। जो मेन मुद्दा जिसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो है कि जम्मू की जो संसदीय क्षेत्र है, ये बहुत ही, जम्मू के लोग बड़े ही दुर्भाग्य वाले मैं कहूंगी, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस भ्रष्ट जनता पार्टी के प्रत्याशी जुगल किशोर जी जो थे वो जम्मू से प्रत्याशी थे। देखिए, आपके समक्ष जो है मैं 4 इम्पोर्टेंट लेटर्स रखूंगी। 4 अप्रैल 2024 को एडवोकेट शेख शकील अहमद ने एक कंप्लेन लिखी रिटर्निंग ऑफिसर को। उस कंप्लेन में एडवोकेट शेख शकील अहमद ने कहा कि भाई, रिटर्निंग ऑफिसर से आग्रह किया कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें जुगल किशोर जी के 2024 के नॉमिनेशन फॉर्म और 2019 के नॉमिनेशन फॉर्म पे। 2024 का नॉमिनेशन फॉर्म जो 30 मार्च को जो फाइल हुआ, इसमें जो है कॉलम नंबर 9 का पेज नंबर 20 में लायबिलिटीज का कॉलम है, जिसमें मेंशन किया कि कितना लोन जो था उन्होंने बैंक से उठाया था। इसमें वो मेंशन करते हैं जो टोटल लोन जो वो स्पेसिफाई करते हैं, वो कहते हैं 20,42,956.81 पैसे, ये वो अमाउंट है। और उसी के साथ जुगल किशोर जी का जो 2019 का नॉमिनेशन फॉर्म है जो 23 मार्च 2019 में उन्होंने फाइल किया, इस फॉर्म के 22वें पेज, पेज नंबर 22 का जो कॉलम नंबर 9 है, उसमें एक अलग ही डेटा लायबिलिटीज को लेके आता है। क्या है वो डेटा?
जो अमाउंट लाइबिलिटीज लोन फ्रॉम बैंक ने लिया उसमें वो स्पेसिफाई करते हैं 34,53,14,232 रुपीज। अब इन दोनों फॉर्म्स में 2019 के फॉर्म में जुगल किशोर जी मेंशन करते हैं कि 34 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी है और 2024 के फॉर्म में वो स्पेसिफाई करते हैं कि 20 लाख की लाइबिलिटी है। अब ये दोनों जो अमाउंट्स थे इनमें काफी डिस्क्रिपेंसी है, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर ये रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आप जल्द से जल्द इस डिस्क्रिपेंसी को चेक करें और अंडर सेक्शन 36 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो आप एक्शन लें। मगर हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब है उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। ये जो डिस्क्रिपेंसी है, या तो अगर जुगल किशोर जी ने यह अमाउंट लिक्विडेट कर दिया था तो बहुत ही सशक्त शब्दों में बताते और मेंशन करते अपने फॉर्म में या लोगों को बताते कि यह अमाउंट उन्होंने कैसे लिक्विडेट किया, कब लिक्विडेट किया। अब हमारे माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जी ने 6 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अंडर सेक्शन 125A ऑफ द RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत शेख शकील अहमद जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट जाए। ये बहुत बेहद हैरान करने वाली बात है कि सेक्शन 125A ऑफ द RPA एक्ट जो है कहीं भी कोर्ट शब्द का जो है स्पेसिफाई नहीं करता है। उसके बाद 12 अप्रैल 2024 को एडवोकेट शेख शकील अहमद जो है एक कंप्लेन लिखते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को, श्री पंडुराम के पोले जी को। इस कंप्लेन में वो बताते हैं कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई अंडर सेक्शन 36 और वो रिक्वेस्ट करते हैं पोले साहब को कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, या तो आप ये कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें या तो आप इस मैटर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को सौंपे और इस पर कार्रवाई की जाए। अंततः इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और पोले साहब ने 15 अप्रैल को ये चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये बहुत ही गंभीर बात है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज हम 4 मई को बैठे हैं, आज 4 मई है और आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लास्ट RTI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखी गई वो लिखी गई 27 अप्रैल 2024 को, जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया है कि आपने इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई की। टिल डेट नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन द कंप्लेंट्स व्हिच आर बीन फाइल्ड, टिल डेट नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन द डिस्क्रिपेंसीज व्हिच आर बीन मेंशनड इन द कंप्लेंट्स, द डिस्क्रिपेंसीज व्हिच आर एब्सोल्युटली क्लियर इन द नॉमिनेशन फॉर्म्स ऑफ मिस्टर जुगल किशोर, चाहे वो 2024 का फॉर्म हो चाहे वो 2019 का फॉर्म हो। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि 10 साल के कालखंड में आप देश को विनाश की ओर अग्रसर कर रहे हैं और आज भी देश जो है विनाश की ओर जा रहा है। आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निधन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने शोक प्रकट किया। पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पे गड़बड़ी हुई, फिर सूरत में, फिर बांसवाड़ा में सांप्रदायिक वक्तव्य दिया गया, उसके बाद अब इंदौर में भी गड़बड़ी का चक्कर बना हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहूंगी कि श्री जुगल किशोर जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही सौंप दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ 2024 एंड 2029। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट एबडिकेट फ्रॉम इट्स ड्यूटी और जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, इस चीज का जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।